Hello Bachcha Party, welcome back again in mathematics class, and today we are going to start a new lesson, the last lesson, data handling, which was there in class 1 also. And humne dekha tha ki how to have the collection of information, how to have the information related to things, material, and jaise ki agar kitchen hai तो किचन में कौन हैंडल करता है सारी चीज़ें, मम्मा. तो किचन का डाटा कौन हैंडल करती है, मम्मा. आज ये वाली पल्सेस है, ये नहीं है, राइस लाना है, घर में मिर्च पाउडर जो है, चिली पाउडर ख़त्म हो गया है, टर्मरिक पाउडर लाना है, इतने यूटेंसिल्स है, इतने कहाँ चले गए हैं, मिल नहीं रहे. सो ये होता है डाटा हैंडलिंग, है ना. सो इट स्टार्ट्स विद आर होम ओनली, हमारे घर से ही चालू होता है. एंड यस, बहुत सारे स्कूल्स में भी डाटा हैंडलिंग होती है. और अगर हम हमारे स्पोर्ट्स रूम की बात करें तो वहाँ भी डाटा हैंडलिंग होती है, कितने फुटबॉल्स हैं, कितने बैट्स हैं, कितनी बॉल्स हैं, है ना, और कितने स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स हैं, कितने ट्यूब्स हैं, सारी चीज़ें कि कितनी चीज़ें हैं, कौन कौन से कलर, सारी चीज़ें. दिस इज़ कॉल्ड डाटा हैंडलिंग. सो यू हैव टू ओपन योर पेज नंबर 181. Let's recall, data handling is collecting data or facts in order to keep a record, है ना, किसी भी चीज़ का record कर रखने के लिए कि ये चीज़ें कितनी कितनी थी और कितनी हैं, है ना, इन सब का record करने के लिए क्या किया जाता है, data handling. Also to collect the information, count the number of items and answer the following questions. Now, how many balloons are there, कितने balloons हैं, तो अब आप count करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So total there are 16 balloons. Same way you have to count how many cupcakes are there. Where are the cupcakes? Where are the cupcakes? Cupcakes hain kya? Yes. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. सो आप यहाँ पे 6 टाइप करेंगे. ओके, सेम वे हाउ मेनी जैकेट्स आर देयर, जैकेट्स कितने हैं, कैंडल्स कितनी, इसे कैंडल्स बोला जाता है. हाउ विच आइटम इज़ द मोस्ट इन नंबर, फिर जब आप सारी चीज़ें काउंट कर लेंगे तो आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा आइटम कौन से हैं, कौन से नंबर ज़्यादा हैं, है ना, फिर आप वो राइट करेंगे. हाउ मेनी आइटम्स आर इन ब्लू कलर, ब्लू कलर के आइटम्स कौन कौन से, जैसे कि ये कैप हो गया, बर्थडे की कैप हो गया, ये वाला जो हैट टाइप का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, 9, 10, 11, तो आप यहाँ पे 11 लिख देंगे. हाउ मेनी मोर बैलून्स आर देयर देन द बर्थडे कैप्स, है ना, और बर्थडे कैप से कितने ज़्यादा बैलून्स हैं, है ना, तो आप पहले बर्थडे कैप्स यहाँ राइट करेंगे और उसके बाद में पता लगा लेंगे हमारे पास बैलून्स का नंबर है कि कितने बैलून्स हैं. और पूछा उन्होंने क्या है कि हाउ मेनी मोर बैलून्स आर देयर देन द बर्थडे कैप्स. फॉर एग्ज़ाम्पल 16 हमारे पास में जो हैं बैलून्स हैं और बर्थडे कैप्स कितनी है, अगर 6 है तो अब आप बता देंगे 16 - 6 करके कि कितने मोर है. नाउ टर्न योर पेज. डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन मीन्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज दैट आर पार्ट ऑफ अ सिंगल इवेंट, है ना, एक पर्टिकुलर एक सिंगल इवेंट है, कुछ फंक्शन है या कुछ एक्टिविटी हो रही है तो उसका डाटा कलेक्शन करना. अब देखिए, ऑब्जर्व द फिश एक्वेरियम, दिस इज अ फिश एक्वेरियम एंड फिल इन द बॉक्सेस. नंबर ऑफ गोल्ड फिश, गोल्ड फिश कितनी है देखिए, सो 1, 2 and 3, तो आप 3. अब आपको नहीं पता है गोल्ड फिश कौन सी है तो ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया. नंबर ऑफ येलो फिश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो आप यहाँ 6 राइट कर देंगे. नंबर ऑफ पिंक फिश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. एंड नंबर ऑफ ग्रे फिश काउंट करिए और यहाँ पे राइट कीजिए. नाउ मूविंग टूवर्ड्स पेज नंबर 183, डाटा रिप्रेजेंटेशन, है ना, बहुत ईजी है इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ बेटा. डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड्स, सिंबल्स, पिक्चर्स और ग्राफ्स. डाटा
पिक्चर्स के थ्रू भी या फिर कोई एक पर्टिकुलर साइन है ना, उसके थ्रू भी कोई ग्राफ है या कोई वर्ड है उसके थ्रू भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ गिवन बिलो इज अ रेम्यास कलेक्शन ऑफ पिक्चर ऑफ एनिमल्स। रेम्या एक बच्ची है, उसके कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स है किसका, एनिमल्स का। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे डॉग है, रैबिट है, कैट है। नाउ कलर द सर्कल्स टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईच एनिमल इन राम्यास कलेक्शन। नाउ सी, उन्होंने डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बोथ पिक्चर्स एंड नंबर्स, दोनों के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे आपको दिख रखा है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ डॉग, हाउ मेनी डॉग्स आर देयर, पिक्चर कितने हैं डॉग्स के, सॉरी यू हैव टू काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिक्चर्स वी हैव ऑफ डॉग। सो आप, उन्होंने क्या बोला था, कलर द सर्कल टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईच एनिमल। अब हमारे पास डॉग के पिक्चर्स कितने हैं, 6 है। रेमे के पास कितने पिक्चर्स है, 6 है। तो आप 6 बॉक्स जो सर्कल्स हैं उनको पूरा प्रॉपरली कलर करेंगे। आई एम यूजिंग पेंसिल बट यू हैव टू यूज द क्रियॉन कलर। 3, 4, 5 and last is 6। आप अच्छे से कलर करिएगा एंड सेम वे यू हैव टू डू फॉर कैट एंड रैबिट ऑल्सो। काउंट करिएगा कितने हैं, उतने सर्कल्स यू हैव टू कलर। द सेम डाटा कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने पिक्चर्स के थ्रू डाटा कलेक्शन किया है, सर्कल करने को बोला था एंड कलर करने को बोला था। अब इस तरीके से भी होता है, एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, डॉग कितने हैं, 6 हैं, कैट 1, 2, 3, 4, तो उन्होंने कैट कितनी है, 4 है, रैबिट कितने हैं, 1, 2, 3। सो दिस इज़ ऑल्सो अनादर टाइप ऑफ अ डाटा कलेक्शन और डाटा हैंडलिंग। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स पेज नंबर 184। नेहा वेंट टू अ जू एंड सॉ सम रेयर एनिमल्स। रेयर मतलब जो बहुत कभी कभी दिखाई देते हैं, कभी कभी मिलते हैं। एंड बर्ड्स विच आर गेटिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है कुछ बर्ड्स भी जो हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। लुक एट दी एनिमल्स और बर्ड्स शी सॉ एंड राइट द डाटा इन द टेबल। सम पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स वी हैव स्क्वेरल, फॉक्स, टाइगर, डियर, दिस इज चिंपैंजी, उन्होंने क्या राइट किया है, ओके, एंड व्हाट एल्स, स्पैरो, पेंगुइन, है ना, ठीक है। अब हमें यहाँ पे उन्होंने एक टेबल दे के रखा हुआ है, इन दिस टेबल वी हैव टू फिल व्हाट द नंबर ऑफ एनिमल्स शी सॉ इन द जू। नाउ एनिमल और बर्ड, टाइगर, पेंगुइन, ऑरेंगुटेन, सो यस, ये चिंपैंजी नहीं है, मैंने भी फर्स्ट टाइम नेम सुना है, स्पैरो, स्क्वेरल, फॉक्स एंड डियर। अब आप क्या करेंगे, काउंट, सबसे पहले क्या दिया है, टाइगर, हाउ मेनी टाइगर्स आर देयर इन दिस पिक्चर, 1, 2, 3, 4, सो आप 4 राइट करेंगे, पेंगुइन ओनली 1, सो यू विल राइट हियर 1, ऑरेंगुटान 1, 2, 3, 4, स्पैरो 1, 2, 3 and 4, सेम यू हैव टू डू फॉर स्क्विरल, फॉक्स एंड डियर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, द बॉडी वेट्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन बिलो। है ना, बॉडी वेट किया था बच्चों का, क्लास के 14 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से वेट्स आर गिवन बिलो 22 kg, किलोग्राम, केजी मीन्स किलोग्राम, 29 kg, 33 kg एंड टिल 35 kg। नाउ कलर द पिक्चर्स टू शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बॉडी वेट बिलो 25 kg। नाउ आप क्या करेंगे, वेट जिनका बिलो मतलब 25 kg से कम है तो उतने आप जो हैं यहाँ पे बच्चे देख के रखे हुए हैं, उनका एक आउटलाइन बना कर रखा हुआ है, आप उतने जो है बच्चों को कलर करेंगे। नाउ 22 kg इज लेस देन 25, बिलो है, उससे कम है, सो आप कलर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है,
29, no, it is above. Above than 25, more than 25, 33 is also 21 kg. Yes, फिर आप second picture को color करेंगे. Next is 18 kg. Yes, 18 kg को भी करेंगे क्योंकि बिलो आपको क्या बोला उन्होंने, बिलो 25 kg से कम. 14 kg अगेन यू हैव टू कलर. नेक्स्ट इज 10 kg. यस 10 kg अगेन आप कलर करेंगे. देन 26 नो, 36 नो, 28 नो, 12, 15, 17 मीन्स आप 3 और कलर करेंगे. ठीक है, नाउ कलर द पिक्चर्स टू शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बॉडी वेट बिटवीन 25 kg एंड 30 kg. अब आपको क्या करना है, जिन उन बच्चों का को कलर करना है जिनका वेट 25 kg और 30 kg के बिटवीन है, बीच में आता है. जैसे कि 29 हो गया, फिर आप कलर करेंगे, फिर 33 हो गया. सॉरी 33 तो मोर हो जाएगा तो 33 नहीं करेंगे. अगेन आप क्या करेंगे, यस 26 करेंगे, 28 करेंगे. यस दैट्स इनफ. तो यहाँ पे 3 पिक्चर्स जो होंगे वो कलर करें, आप खुद करिएगा, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर. कलर द पिक्चर्स टू शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बॉडी वेट अबव 30 kg. अब उन बच्चों के लिए आपको कलर करना है जिनका वेट 30 kg से ज़्यादा है. अब किन किन का वेट देखिए, 33 kg, नेक्स्ट इज 36 kg एंड 35 kg. यहाँ पे आप कलर कर देंगे. ठीक है, इस तरीके से आपको जो है कंप्लीट करना है. नाउ थर्ड इज रिहान मेड अ लिस्ट ऑफ शर्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. ब्लैक शर्ट 18 है, नंबर ऑफ शर्ट्स हैं और शर्ट के कलर है. ब्लैक शर्ट 18 है, ग्रे शर्ट 32, ग्रीन शर्ट 45, ब्लू शर्ट 26. नाउ अब देखिए कैसे डाटा कलेक्शन किया जाता है. बेस्ड ऑन द अबव डाटा, इस डाटा पे बेस्ड फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स. अब ये जो ब्लैंक्स हैं इनको आपको फिल करना है. ग्रे शर्ट्स आर लेसर इन नंबर देन ब्लैंक शर्ट्स. अब ग्रे शर्ट्स किससे कम है, किससे कम है ग्रे शर्ट्स. यस अब देखिए ग्रे शर्ट्स में 25 है. अब लेसर, लेसर देन किससे कम है. अब 32 जो नंबर ऑफ ग्रे शर्ट्स कितने हैं, 32 टू मोर देन तो 18 है. मोर देन ब्लैक शर्ट है, मोर देन ब्लू शर्ट है, तो किससे लेस हैं 45. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्रीन शर्ट, क्योंकि ग्रे शर्ट्स हैं वो ग्रीन शर्ट से लेस हैं, कम है. ब्लू शर्ट्स आर मोर इन नंबर देन, ब्लू शर्ट्स आर मोर इन नंबर देन किससे मोर हैं, 32, 45 या 18. यस ब्लैक शर्ट आएगा क्योंकि ऑलरेडी 45 इज मोर देन 26, 32 इज मोर देन 26, सो व्हाट एल्स इज रिमेनिंग हियर, 18. सो आप राइट करेंगे ब्लैक शर्ट. नाउ शर्ट्स ऑफ विच कलर आर लीस्ट इन नंबर. लीस्ट यानी सबसे ज़्यादा कम है ना. सो अब क्या सबसे ज़्यादा कम शर्ट्स किसके हैं, यस कौन से हैं, ब्लैक शर्ट्स. तो आप क्या राइट करेंगे यहाँ पे, ब्लैक शर्ट ब्रैकेट में 18 राइट कर दीजिएगा. शर्ट ऑफ विच कलर आर द मोस्ट, मोस्ट यानी ज़्यादा, मोस्ट इन नंबर्स. तो कौन से शर्ट्स मोस्ट है, ज़्यादा कौन से हैं, यस दैट्स अ ग्रीन शर्ट. सो आप राइट करेंगे ग्रीन शर्ट. गॉट इट, हमने क्लास 1 में भी किया अगर आपको याद हो तो, है ना. आई एम श्योर याद तो ज़रूर होगा. येस दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड इफ यू कैन डू द रिविजन स्टेशन विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 187 and 188, सिंपल है तो आप कर सकते हैं. अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा. अदरवाइज मैम का जो लास्ट वीडियो होगा मैथमेटिक्स का, उसमें आई विल एक्सप्लेन यू. ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय, टेक केयर.